नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कन्नन, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। इस वीडियो में कोविड के बाद जो एवीएन प्रॉब्लम होता है, जो बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम होता है, उसके बारे में देखेंगे। अब सबको पता है कोविड 2020 में हुआ था और धीरे धीरे नंबर्स बढ़े थे, पूरा वर्ल्ड में पहुंचा था और 2022 तक इसका नंबर्स काफ़ी बढ़ गए थे और उसके बाद धीरे धीरे कम होके आज भी चल रहा है, वो काफ़ी कम नंबर्स में चलता है। तो इस कोविड में अब सबको पता है सांस का प्रॉब्लम होता था, फीवर का प्रॉब्लम होता था, बहुत लोग वेंटिलेटर में चले गए थे। ये प्रॉब्लम के अलावा कोविड में बहुत सारे लोगों को ब्लड सप्लाई का भी प्रॉब्लम हुआ था, ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हुआ था, कुछ लोगों को हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है उसमें बंद या क्लॉटिंग हुआ था, कुछ लोगों को जो ब्रेन का जो नस जाता है उसमें क्लॉट बन गया था, कुछ लोगों के जो हाथ पैर में जो ब्लड सप्लाई जाता था उसमें क्लॉट बन गया था, इसके वजह से बहुत लोगों के प्रॉब्लम हुआ था। तो इसमें कोविड का प्राइमरी पैथोलॉजी में भी ब्लड क्लॉटिंग बनने का एक टेंडेंसी पता किया है, तो बहुत लोगों को इसके वजह से प्रॉब्लम हुआ है। इसके साथ कोविड में स्टीरॉयड का दवाई चलता था, स्टीरॉयड के साथ हम लोग बहुत लोगों को ये ब्लड थिनर दवाई भी इसके लिए दिया जाता था। इसके बावजूद भी बहुत लोगों को ये ब्लड क्लॉट का प्रॉब्लम बन गया था, स्पेशली बोन्स में, हिप जॉइंट में एवीएन प्रॉब्लम बहुत लोगों को हम आजकल देख रहे हैं कोविड के बाद। हिप जॉइंट में जो एवीएन होने का एक तो कारण है स्टीरॉयड है और दूसरा कारण है कोविड। तो कोविड के लिए बहुत लोगों को स्टीरॉयड दवाई ट्रीटमेंट के लिए दिए थे, पर जो कोविड के लिए स्टीरॉयड डोज देते हैं वो काफ़ी कम डोज है, उस डोज में यूजुअली एवीएन का प्रॉब्लम नहीं बनता है, पर जब कोविड होता है उसके साथ स्टीरॉयड दवाई दिया हुआ है तो इन लोगों में एवीएन का असर ज़्यादा दिख रहा है। बहुत लोग कोविड के बाद जो एवीएन के प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आ रहे हैं। जो ये हिप जॉइंट है, एक बॉल एंड सॉकेट का शेप से बनता है, जो ये बॉल पार्ट का ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा सा डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है। तो नॉर्मली विदाउट कोविड भी ये एवीएन प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होता था, पर ये कोविड के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रहा है। जो ये बॉल हिप जॉइंट का बॉल में वो ब्लड सप्लाई रुक जाता है, उसके वजह से इन लोगों को एवीएन या ऑस्टियोनेक्रोसिस प्रॉब्लम बनता है। जो हिप जॉइंट है यूजली जहाँ हमारा शरीर और थाई बोन मिलते हैं वहीं पे होता है, तो जब एवीएन प्रॉब्लम होता है इन लोगों को, जहाँ इधर ब्लू में दिखाया हुआ है, जो शरीर और पैर जहाँ मिलता है उस जगह पे पेन करता है, चलने के समय पेन करता है, सीढ़ी उठने के समय पेन करता है, नीचे बैठ के उठने के समय भी बहुत लोगों को पेन होता है। पर ये जो एवीएन प्रॉब्लम है कोविड के बहुत दिन के बाद भी दिख सकता है, जब हार्ट में या ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद होता है इमीडिएटली दिख जाता है। हार्ट में अगर ब्लड सप्लाई रुक गया तो इमीडिएटली चेस्ट में पेन होता है, ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रहा है तो यूजली बहुत लोगों को स्ट्रोक होता है, हाथ पैर काम नहीं करता है। पर जब बोन में, स्पेशली हिप जॉइंट का बोन में, जब अगर ब्लड सप्लाई बंद हो गया, ये 3 महीने से लेके 2-3 साल तक भी रुक के बाहर दिख सकता है, डिलेड प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो प्रॉब्लम होता है उसके पहले कुछ दिन में कुछ दिखता नहीं है, कुछ दर्द नहीं करता है, धीरे धीरे बाहर आने लगता है। तो बाकी पार्ट्स और बोन का जो ब्लड सप्लाई बंद होने का एक मुख्य डिफरेंस। और ये हिप जॉइंट का एवीएन स्टेजेस में प्रोग्रेस होता है। स्टेज 1 में पहले सिर्फ ब्लड सप्लाई बंद होता है, पेन नहीं करता है, स्टेज 2 में पेन करने लग जाता है, उसके बाद स्टेज 3 में जाता है, जब स्टेज 3 में है तो बोन का जो शेप है वो बदल जाता है, जो बॉल है बॉल जैसा नहीं होता है, थोड़ा फ्लैटन हो जाता है,
इसको बोन कोलैप्स कहते हैं। स्टेज टू और स्टेज थ्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। स्टेज टू तक जो बीमारी है वो रिवर्सिबल है, मतलब आपका नॉर्मल हिप जॉइंट वापस मिल सकता है। जब स्टेज थ्री में चला गया, बोन का शेप बदल चुका है, तो वापस नॉर्मल शेप में आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। जब स्टेज थ्री से और ज़्यादा होता है स्टेज फोर में, जो सॉकेट में भी डैमेज होने लग जाता है। तो बाकी कारण से जब एवियन होता है, जो कोविड के अलावा बाकी कारण है, अल्कोहल है, स्टेरॉयड है, या कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स है, इसमें भी एवियन होता है, कोविड में भी एवियन होता है, ये दोनों में इलाज तो थोड़ा सिमिलर है, एक जैसा ही होता है। जब स्टेज टू तक है, जब बॉल का शेप अच्छे से मेंटेन्ड है, बॉल बॉल जैसा है, इसमें कोर डीकम्प्रेशन करके एक ड्रिलिंग प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हड्डी के अंदर एक ड्रिलिंग प्रोसीजर करके हड्डी के जो अंदर प्रेशर है उसको कम करते हैं, उसके साथ ब्लड सप्लाई भी वापस आने का थोड़ा चांस बढ़ता है और पेन भी कम हो जाता है। ये ड्रिलिंग करते हैं, उसके साथ एक बोन मैरो का इंजेक्शन भी लगाते हैं, इसको बी मैक इंजेक्शन कहते हैं। बोन का जो वापस हीलिंग है और वापस ब्लड सप्लाई आने का स्टिमुलेट करने के लिए ये मदद करता है। पर जब अगर शेप, बॉल का शेप चेंज हो गया, तो ऐसा ट्रीटमेंट्स काम नहीं करता है। इस पेशेंट में आप देख सकते हैं जो राइट में जो बॉल है वो बॉल जैसा राउंड शेप में है, पर जो राइट साइड का हिप जॉइंट है उसका बॉल बॉल जैसा नहीं है, पूरा उसका शेप बदल चुका है, तो इसको स्टेज थ्री कहते हैं। जब ये स्टेज में आ गया, जब बॉल का शेप अच्छा सा मेंटेन नहीं हुआ है, बॉल का शेप पूरा बदल चुका है, तब इन लोगों को हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन करना पड़ता है। हिप रिप्लेसमेंट में जो बॉल है और जो सॉकेट है दोनों को बदल जाते हैं, इसी को टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं। इसके साथ बहुत लोग अच्छे से चलते हैं, 20-25 साल तक भी काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो कोविड के बाद ये एवियन प्रॉब्लम काफ़ी दिख रहा है। जब कोविड हुआ था 2020-21-22 में हुआ था, उसके 2-3 साल के बाद अभी जो एवियन का नंबर है अभी भी बढ़ रहा है। वो हिप पेन करता है, जहाँ हमारा शरीर और पैर मिलते हैं वहीं पे पेन होता है, चलने के समय और काम करने के समय पेन बढ़ता है। जब ऐसा हो रहा है तो एक्सरे एमआरआई करके देखना पड़ता है, और अगर एवियन है तो उसके हिसाब से इलाज करना पड़ता है। अर्ली स्टेजेस, जब बॉल का शेप अच्छा मेंटेन है, उस समय बॉल का शेप मेंटेन करने के लिए कोर डीकम्प्रेशन, बोन मैरो इंजेक्शन, ये ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर बॉल का शेप बदल चुका है, काफ़ी दिक्कत कर रहा है, तब तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है।